नमस्कार साथियों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज के वीडियो है अपनी मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना पर। ये सभी पशुपालकों और किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा शेयर करना सभी पशुपालकों में, और वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना। जो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो शुरू की गई है, उसमें प्रत्येक पशुपालक को अपने दुधारी पशु गाय भैंस के लिए जो है निःशुल्क बीमा योजना के तहत 40,000 रुपये ये इसमें मिलेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगभग कब से शुरू होगा और कितना क्या है पूरा सिस्टम, ठीक है साथियों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते आज के अपने इस वीडियो को। तो साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर देना अपने सभी पशुपालक किसान भाइयों में। और महंगाई राहत कैंप, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत 40,000 रुपये का मिलेगा आपको बीमा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गोवंशीय पशुधन के अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की है। यह नई घोषणा है, ठीक है साथियों, जो शुरू की गई है। और इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। और दुधारू गोवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दूध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा। अगर पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है तो प्रत्येक पशुपालक को अपने 2 दुधारू पशुओं के लिए 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा, जो उसकी जो दूध है दूध प्रोडक्शन उत्पादन के आधार पर तय किया जाएगा, जो अधिकतम 40,000 रुपये का होगा। 8,00,000 रुपये तक के वार्षिक आय वाले पशुपालकों के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का जो पशु बीमा है वो निःशुल्क किया जाएगा। और 8,00,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले पशुपालकों को एक मामूली प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि जिन पशुपालक किसानों के जो है 8,00,000 से कम की आय होती है सालाना, उनको जो है निःशुल्क बीमा होगा, पशुओं का निःशुल्क बीमा होगा। और अगर 8,00,000 से ज्यादा अगर वार्षिक आय है तो उनका जो है साथियों कुछ प्रीमियम राशि उनको भुगतान करनी पड़ेगी। और पशु बीमा 2023 से शुरू होगा। योजना से 20,00,000 से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा, ठीक है साथियों, ये बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और इसके अलावा एक और ये न्यूज है जो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत दुधारू गायों का बीमा होगा निःशुल्क, ठीक है साथियों। राजस्थान सरकार पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए और लंपी जैसे महामारी यदि दोबारा आती है तो पशुपालकों को संबल मिल सके। पशु चिकित्सा कर्मचारी महासंघ राजस्थान के प्रदेश सचिव कमल चौधरी व डॉक्टर लेखराज बरड़वाल ने बताया कि वार्षिक 8,00,000 के आय वाले पशुपालकों के पशुधन के साथ होने वाली अनहोनी के समय पशुपालकों को संबल प्रदान के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना प्रारंभ की है, ठीक है साथियों। ये मुख्यमंत्री कामधेनु योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें एक परिवार के अधिकतम 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाएगा। तथा वार्षिक आय अगर 8,00,000 से अधिक है तो पशुपालकों को प्रति पशु है तो 200 रुपया प्रीमियम राशि देनी होगी। कितना? केवल 200 रुपया प्रत्येक पशु के लिए, जिससे बीमित गोवंश के अगर अकाल मृत्यु होने पर प्रत्येक पशु को पशु के लिए 40,000 रुपये अधिकतम बीमा कवर दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ लेने के लिए 24 अप्रैल से सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में पशुपालकों को जन आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना है। 24 अप्रैल से जो है साथ ये योजना शुरू हो रही है। और जो महंगाई राहत कैंप जो लगाए जाएंगे अब गाँव में, तो उसके अंदर जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे और जन आधार कार्ड के साथ आपको जो है वहां पर उपस्थित होना है। आपको अपना जन आधार कार्ड ले जाना है और अपनी पशु की डिटेल वगैरह पूरी कंप्लीट करनी है। वहां पर फॉर्म फिल किया जाएगा गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ में, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में, ठीक है साहब। जो अपने जो क्षेत्र के डॉक्टर है या फिर पशुधन सहायक है, गवर्नमेंट अपने पंचायत के वहां से संपर्क करें आप इस योजना के लिए।
और बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की जो जानकारी थी वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है। इससे कई सारे पशुपालकों को फायदा होगा, अकाल मृत्यु से जो होने वाले हानि को जो संबल प्रदान किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत जो दुधारू गाय है उनका बीमा निःशुल्क होगा। ये आज की इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।